सो आज का टॉपिक है NEP 2020 स्कूल एजुकेशन चैप्टर नंबर 7 दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर। सिंपल भाषा में आज हम इफेक्टिव रिसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है, और साथ ही साथ हम क्लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल क्लस्टर्स फॉर्म होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्राइमरी एजुकेशन से। देखिए, सबसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा है समग्र शिक्षा स्कीम। ये दोनों स्कीम और अभियान के थ्रू ये हो रहा है बेनिफिट के हर थोड़े डिस्टेंस पे स्मॉल स्कूल्स ओपन हो रही है, एंड जिससे बेनिफिट ये हो रहा है नंबर वन कि यूनिवर्सल एक्सेस हो रहा है प्राइमरी स्कूल को लेकर, और साथ ही साथ जो स्मॉल स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब हम बात करेंगे यूडाइस रिपोर्ट के बारे में कि व्हाट इज़ यूडाइस रिपोर्ट, और 2016-17 की यूडाइस रिपोर्ट हमें क्या कहती है। है कि 28% जो है इंडियाज़ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और 14.8% जो है इंडिया की जो अपर प्राइमरी स्कूल्स है उसमें लेस देन 30 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो कि बहुत कम है। तो अब ये हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा जो स्कूल्स ओपन हो रही है इसके थ्रू जो एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और इसके थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि दिस स्मॉल स्कूल साइजेस हैव डिफिकल्टी इन ऑपरेशंस, मतलब इन्हें मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी है, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स को लेकर, टीचर्स को अपॉइंट करना, उन्हें कैसे रिसोर्सेज देना, साथ ही साथ फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में जैसे चीज़ें हैं स्कूल्स में, साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये सब चीज़ें बहुत स्मॉल स्कूल्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो आइसोलेशन जो होता है स्मॉल स्कूल का, जो सेपरेशन होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है एजुकेशन पे, जिसमें जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमारा डिटोरेट होता है, थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि बिफोर 2025 ये जो हमारा प्रॉब्लम है स्मॉल स्कूल्स को लेकर मैनेज करना और रिसोर्सेस को लेकर, उसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। शुरुआत करेंगे हमारे टाइटल से ही जो कि है इफेक्टिव रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस पे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 5 ऑब्जेक्टिव्स बताया है कि जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, एडिक्वेट नंबर्स ऑफ टीचर्स और काउंसिलर, यानी हर स्कूल में सफिशिएंट टीचर्स हो, काउंसिलर्स हो। नंबर 2, एडुकेट रिसोर्सेस हो, चीज़ें बहुत प्रॉपर हो, जैसे साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब्स है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली होना चाहिए। 3rd आता है कम्युनिटी शेयरिंग। कम्युनिटी शेयरिंग में मतलब ये होता है कि टीचिंग और लर्निंग का जो कंटेंट है वो आपस में शेयर हो। कैसे शेयर होगा, कि अगर एक स्कूल में है ज़्यादा तो वो दूसरे स्कूल को भी शेयर करें। आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता है, जैसे साइंस एग्जीबिशन है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, क्विज है, डिबेट है, तो इसके थ्रू भी हम अपने रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 हमें ये कहता है कि हमें कोऑपरेशन एंड सपोर्ट पे ध्यान देना है। कोऑपरेशन एंड सपोर्ट उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए हमें कोऑपरेशन करना है, उनकी हेल्प करना है, उन्हें सपोर्ट करना है। एंड लास्ट नंबर 5 हमें ये कहता है कि इसके थ्रू, ये सारे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स के थ्रू हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फर्दर हम ये देखेंगे कि अब जो ग्रुपिंग जो होता है स्ट्रक्चर का, ग्रुपिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इज कॉल्ड स्कूल कॉम्प्लेक्स। अब इसके थ्रू ये होगा, गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि एवरी 5 to 10 किलोमीटर्स में एक सेकेंडरी स्कूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे पास आउट होने के बाद वो सेकेंडरी स्कूल में जा पाए। अब हम बात करेंगे हमारा जो फर्दर टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स के बारे में। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर में हमें ये पता चल रहा है कि स्कूल्स का ग्रुप्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रिसोर्सेस को जो शेयर कर सके। अब इससे ये होगा कि जो डिजेबल स्टूडेंट्स है या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है, जिन्हें चीज़ें रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेस की जो बहुत ज़रूरत है, वो आपस में इंटरचेंज शेयरिंग की वजह से हर बच्चों को प्रॉपरली मिल पाएगा। साथ ही साथ जो एकेडमिक्स है वो सिर्फ इंट्रा स्कूल लेवल पे ना हो, मतलब एक ही स्कूल के अंदर हो रहा है वैसा ना हो, इंटर स्कूल लेवल पे हो, एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, या कोई भी इवेंट है,
जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स का जो लेवल है, थिंकिंग जो लेवल है वो और हाई होगा और उन्हें समझ में आया कि बेसिकली कैसा एडवांस लेवल होता है. या साथ ही साथ जो स्कूल्स में आर्ट्स है, म्यूज़िक है, लैंग्वेजेस है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, वहाँ पर भी अगर ये रिसोर्सेस अगर शेयर करेंगे तो एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा. अब ये जो कम्युनिटी जो शेयरिंग का जो हमारा बेनिफिट है ये सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है, स्कूल के लिए भी बेनिफिट है, स्कूल लीडर्स के लिए भी है, यानी स्कूल प्रिंसिपल्स है, सुपरवाइजर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, स्कूल टीचर्स के लिए बेनिफिट है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, सपोर्टिंग जो स्टाफ है उनके लिए बेनिफिट है, यहाँ तक कि जो पेरेंट्स है, लोकल सिटीजन्स है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो हमें अपने जो रिसोर्सेस है उसे शेयर करना है और विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्स. अब बात करेंगे स्कूल गवर्नेंस को लेकर. देखिए, स्कूल को अगर गवर्नेंस करना है, मैनेज करना है, उन्हें देखना है प्रॉपरली, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है DSE की. DSE का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन. अब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का पॉसिबल नहीं है कि वो हर स्कूल पे जाके विजिट करे, इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्ट्स में डिवाइड की है. वन इज़ फॉर DEO. DEO का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. सेकेंड होता है BEO, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर. तो हमें ये पता चल रहा है कि DSE ने, यानी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है DEO और BEO को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि ये जो रिसोर्सेज शेयरिंग हो या फिर स्कूल मैनेजमेंट हो वो प्रॉपरली हो सके. फाइनली इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन. तो आज के क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि जो UDISE रिपोर्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया हूँ उसमें कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं मैक्सिमम. सो UDISE रिपोर्ट के थ्रू हमें कितना पता चल रहा है कि लेस देन स्टूडेंट्स है, वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स मैंने बताया हूँ. साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर टू ये है कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स पूछा हूँ, 5 ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है, जिसमें एडुकेटर रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एडुकेटर रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्सेज का मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, वो 3 एग्जाम्पल मुझे आप मेंशन कीजिए. साथ ही साथ आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी स्कूल के विद इन कितने किलोमीटर्स की रेंज में होना चाहिए, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन. आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो DSE उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया हूँ, वो DSE का फुल फॉर्म क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट. ओके, फाइनली इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन. तो आज के टॉपिक के थ्रू हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है सबसे पहले इफेक्टिव रिसोर्सेज के बारे में, कि अगर कोई स्मॉल स्कूल जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मटीरियल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो जो आसपास के जो नियर बाय स्कूल्स है वो शेयर करें. फिर हमें ये भी पता चलता है इफेक्टिव गवर्नेंस के बारे में, कि गवर्नेंस यानी प्रॉपरली मैनेज करने के लिए अगर सारे स्कूल्स एक साथ प्रॉपरली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो स्कूल गवर्नेंस प्रॉपरली हो पाएगा. और हमने स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की है, क्लस्टर्स के बारे में बात की है, कि ये जो स्कूल्स हैं इनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने DSE का, DEO का और BEO का फॉर्मेशन किया है, जिसके थ्रू स्कूल प्रॉपरली मैनेज हो सके, स्कूल क्लस्टर्स प्रॉपरली मैनेज हो सके. सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय.